हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। आज है हमारे पास फायरबोल्ट की तरफ से फायरबोल्ट किंग। फायरबोल्ट ने इतने सारे स्मार्ट वॉच लॉन्च किए कि इनके नाम थोड़े कम पड़ने लग चुके हैं। अभी किंग और क्वीन भी आने लगा। बॉक्स के ऊपर आपको कैप्टन किंग की फोटो मिल जाएगी और ये वाला स्मार्ट वॉच एक एमोलेड डिस्प्ले वाला स्मार्ट वॉच है और डिस्प्ले का साइज है 1.78 इंच। अभी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं किंग है क्या जोकर। सबसे पहले स्मार्ट वॉच मिल जाएगा, ये ऑन पड़ा हुआ है क्योंकि हम लोग इसको टेस्टिंग वेस्टिंग कर रहे थे, पैक भी कर दिया था। बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा स्ट्रैप मिल जाएगा और ये है किंग का चार्जिंग केबल और फायरबोल्ट की खूब सारी पत्रिका। यू नो व्हाट टू डू। तो ये फाइनल लुक आपको फायरबोल्ट किंग का और एक्चुअल में जो नाम है इसका है किंग नाम था इसका, इसलिए रॉयल ब्लू कलर में यहाँ पे दे दिया हम लोग को फायरबोल्ट ने। और बॉक्स के अंदर ये वाला जो स्ट्रैप मिलता है इसको भी ट्राई कर लेते हैं। वैसे जो इनका मेटालिक स्ट्रैप है बहुत अच्छी क्वालिटी का ये, और इसको पहनना भाई बहुत आसान होता है। सिंपली इसको खींचो और ऐसे फिट कर लो और इसकी फिटिंग विटिंग भी बहुत ज्यादा तगड़ी आती है और वॉच देखने में भी सच में प्रीमियम लगता है। और इस स्लिकनेस स्ट्रैप लगाने के बाद भी वॉच काफी अच्छा सा लग रहा है। और अच्छी बात, ये वाला स्ट्रैप भी बहुत ही हाई क्वालिटी वाला है, फ्लेक्सिबल भी है। फाइनल कुछ ऐसा लुक आएगा, डेफिनेटली ये वाला स्ट्रैप काफी अच्छा है। आपको कौन सा अच्छा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताओ। वैसे फायरबोल्ट किंग में आपको ब्लैक कलर मिल जाएगा, एक सिल्वर कलर है और ये है इनका गोल्ड कलर जो बहुत प्रीमियम लग रहा है। आपने हिसाब से देख लेना, ब्लैक गोल्ड ब्लू सिल्वर चारों तगड़े कलर है। और वॉच का डिजाइन और बिल्ड भी काफी अच्छा लग रहा है मुझे। साइड में पूरा ग्लॉसी मेटल का यूज किया गया, प्रीमियम फील देता है इसको। पीछे प्लास्टिक का यूज किया गया और जो इसका स्ट्रैप है दो क्वालिटी में मिल रहा है आपको, मेटालिक भी है स्लिकन भी है, आपको जो चूज करना आप कर सकते हो। और ये वॉच काफी बॉक्सर डिजाइन वाला वॉच है, बॉक्सर डिजाइन आपको आईफोन से इंस्पायर्ड है काफी ज्यादा। ओवरऑल वॉच मुझे काफी कंफर्टेबल और अच्छा प्रीमियम लगा है। और अगर बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में, अभी हम लोग आउटडोर आए हुए हैं और एक्चुअल में इसका डिस्प्ले बहुत ब्राइट है। देखो भाई अभी फुल ब्राइटनेस पे है और इसके अंदर 550 निट्स की ब्राइटनेस मिल रही है। और जब भी कोई एमोलेड डिस्प्ले होता है उसका टच रिस्पॉन्स भी हमेशा अच्छा होता है क्योंकि एक प्रीमियम डिस्प्ले, तो क्वालिटी ऑफ डिस्प्ले एंड परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा मिल रहा है। यहाँ पे ऊपर से स्क्रॉल करोगे कंट्रोल पैनल आ जाएगा, यहाँ से आप वेदर बैटरी हर एक चीज चेकआउट कर सकते हो। और नीचे की तरफ से आता है इसके अंदर नोटिफिकेशन, यहाँ पे आपको काफी सारे व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आ रखे हैं। वॉच के अंदर जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है फायरबोल्ट काफी सारे वॉचेस में यूज होता है। और अगर आप राइट स्वाइप करोगे तो स्प्लिट स्क्रीन आ जाता है, यहाँ से आप क्विकली हर एक चीज एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि अभी हम लोग दिल की धड़कने नापेंगे। दोस्तों गुलाब देने से दिल धड़कता है, क्या गुलाब का भी दिल धड़कता है देखेंगे अभी। अरे गुलाब का दिल क्यों नहीं धड़कता यार, तुमको बुरा लग रहा है, एक बार और टेस्ट करेंगे। कुछ नहीं है, बस अपनी बालकनी फ्लेक्स कर रहा हूँ। करो 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 करो, तुम लोग जिंदा नहीं हो, मुझे लगा था जिंदा हो, बुक में तो ये पढ़ा था मैंने, स्कैम हो गया क्या भाई। वॉच के सेंसर ने थोड़ा सा इंप्रेस तो किया मुझे, तो एक बार ऑक्सीमीटर की हेल्प से अपने दिल की टेस्टिंग कर लेते हैं। थोड़ा सांसों कंट्रोल में ले आता हूँ। अभी तक तो वॉच काफी एक्यूरेट लग रही है। यहाँ पे ऑक्सीमीटर और वॉच का डेटा काफी ज्यादा आगे पीछे ही चल रहा है, 70 यहाँ पे वॉच में आ रहा है और ऑक्सीमीटर में 73 आया है। यहाँ पे हेल्थ ट्रैकिंग ठीक ठाक कर लेता है। वैसे इस वाले वॉच के अंदर 100+ स्पोर्ट्स मोड मिल जाएंगे, तो यहाँ पे आपको जो ट्रेनिंग वाला फीचर मिल रहा है इसके अंदर है इसके काफी सारे स्पोर्ट्स मोड, आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हो और आपको जो मन करे वो कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए रनिंग वाला स्पोर्ट्स मोड चला रहा हूँ, तो इसके अंदर एक साथ स्टेप्स काउंट कर रहा है, डिस्टेंस काउंट कर रहा है, कैलोरीज काउंट कर रहा है और आपके हार्ट रेट को काउंट कर रहा है। तो अगर आप जिम डेली आप एक्सरसाइज करते हो, डेफिनेटली इसका आप यूज करोगे तो आपको डेटा मिलता रहेगा कि आपने क्या वर्कआउट किया, कितना कैलोरीज बर्न किया है। उसके बाद यहाँ पे एक्सरसाइज रिकॉर्ड्स है जहाँ पे आपको पुराने डेटा मिल जाएंगे, जहाँ पे पीरियड वाला भी ऑप्शन मिलता है अगर आपको साइकिल्स अपने काउंट करने, तो सारा डेटा आप यहाँ पे डाल के उसका ट्रैक रिकॉर्ड रख सकते हो। तो डेफिनेटली आपको सारे स्मार्ट वाले फीचर्स मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे द फिट एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, प्ले स्टोर ऐप स्टोर दोनों मिल जाएगा आपको। बहुत सारे स्मार्ट वॉच के साथ ये वाला एप्लीकेशन आपको देखने को मिलता है, जहाँ से आप वॉच फेसेस चेंज कर सकते हो और यहाँ पे काफी सारा ऑप्शन मिल जाएगा। ऑलमोस्ट 200+ वॉच फेसेस है जहाँ आप चूज कर सकते हो। तो एक बार ये वाला वॉच फेस अपने वॉच में सेट करते हैं। और यहाँ पे वॉच फेस चेंज हो चुका है, आईफोन में ये इमेज कुछ ऐसी दिखती है और वॉच में कुछ ऐसी दिखती है। एक्चुअल में डिस्प्ले बहुत अच्छा बनाया है इन्होंने। और अगर फीचर्स के बारे में बात कर लें, देखो आप मेन्यू में जाओगे यहाँ पे आपको ये एप्पल स्टाइल वाला मेन्यू मिलेगा और इसके अंदर काफी सारे फीचर्स हैं। ये इसका कॉलिंग कॉन्टैक्ट्स मैंने ऐड कर रखे हैं, तो एक बार मुमताज को कॉल करते हैं। आज ये स्टूडियो नहीं आया इसकी खबर लेता हूँ। हेलो भाई, आवाज आ रही है? अभी आ रही है आवाज। खिड़की खोल के देख, बारिश रुक गई है। आजा और क्या कर दिया वीडियो अपलोड भाई, वीडियो अपलोड से कुछ नहीं होगा, आना पड़ता है भाई डेली। अभी निकलो, आ जाओ घर पहुंचो, स्टूडियो पहुंचो भाई। हंस क्यों रहा है, मैं सीरियस हूँ, वर्क फ्रॉम होम में मैं नहीं मानता भाई, आना पड़ेगा स्टूडियो। अच्छा वैसे सुनना, एक काम कर, तो अगर नहीं आ रहा तो। कैसी आवाज आ रही थी वैसे अभी तक? परफेक्ट काम कर रही कॉलिंग इसकी। और कॉलिंग वॉचेस में एक प्रॉब्लम होती है दोस्तों, जब भी आप मोबाइल के अंदर गाना सुनते हो तो भाई गाना ऐसे बजने लगता है और वो डेफिनेटली आपको नहीं चाहिए होगा। इसके लिए आप सेटिंग्स में आया करो और यहाँ से फोन कॉल को ऑफ ऑन कर दिया करो, अगर ऑन है तो कॉल लगेगी,
कॉल आएगा भी, अगर ऑफ है तो आप गाना प्ले करते हो, आपके मोबाइल में गाना बजेगा। और अच्छी बात यह है कि आप यहाँ से पॉज, प्ले, नेक्स्ट, प्रीवियस सब कर सकते हो। मतलब वॉच के जितने फीचर्स आपको मिल रहे हैं, जैसे कि नोटिफिकेशन हो गया, स्टॉप वॉच हो गया, ये इसके थिएटर मोड भी है और आप कॉल रिसेट कर सकते हो। और ये रहा स्क्रीन क्लॉक जो कि है आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, दो डिफरेंट ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलेगा आपको, डिजिटल और एनालॉग क्लॉक वाला। अभी हम लोग एनालॉग क्लॉक यूज कर रहे हैं और इसका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सही काम कर रहा है। और वॉच के अंदर आपको यहाँ रेस्ट होने का आपको इसके अंदर नहीं है। अगर बात करते हैं इसके बैटरीज के बारे में, देखो जितने भी वॉच होते हैं जिसमें आपको कॉलिंग मिलता है उसकी बैटरी बहुत अमेजिंग नहीं मिलती आपको। अगर आप कॉलिंग यूज करोगे मैक्सिमम 2 दिन चलेगा, अगर आपने बाबू से आजाद कर लिया 1 दिन चलेगा, लेकिन अगर आप कॉलिंग यूज नहीं करते हो तो 7 दिन का बैटरी लाइफ आराम से आपको मिल जाएगा। और इसको आपको 1 साल का वारंटी मिल ही रहा है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो डायरेक्टली आप क्लेम कर सकते हो। और अच्छी बात ये इसके बिल्ड और ये अमेजिंग डिस्प्ले आपको सिर्फ और सिर्फ 3000 में मिल रहा है। फायरबोल्ट किंग जो है अभी 3000 में लॉन्च हुआ है। इसका बेस्ट बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे हम लोग और फर्स्ट कमेंट में पिन कर देंगे, आप इसको चेकआउट कर सकते हो। डेफिनेटली मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूँ, मुझे तो काफी अच्छा लगा, खास कर इसका डिस्प्ले मुझे बहुत तगड़ा लगा। तो अगर आपको भी अच्छा लगा तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो कितने रखते हैं, आई होप कि आपको वीडियो पसंद होगा। यहाँ तो देखा है भाई, सब्सक्राइब करके जाना, लाइक वाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।